पोंगा पंडित की रंग बिरंगी होली। शहर में पोंगा नाम का एक पंडित था। वह अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझता था। वह लोगों के मन में ग्रह नक्षत्र वगैरह के खतरे का डर बैठाकर खूब दावतें उड़ाता था। इस तरह उसे मुफ्त खाने की आदत पड़ गई थी। उसे बात बात में चुनौती देने की भी बुरी आदत थी। होली का त्योहार पास में आया तो पोंगा पंडित ने मोहल्ले के लड़कों को चुनौती दी, मैं इस बार भी होली नहीं खेलूंगा, आज तक कोई मुझे रंग नहीं डाल सका। आगे भी किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि कोई मुझ पर रंग डाल सके। मैं हर बार अपनी बुद्धिमानी से बच जाता हूँ। तब सामने से आते हुए टीपू बोला, क्या दोस्तों, इस बार होली जमकर खेलने का इरादा है ना? इरादा तो है, पर पोंगा इस बार भी होली खेलने के मूड में नहीं है। पंडित हम लोगों को चुनौती दे रहा है कि इस बार भी उसे कोई रंग नहीं लगा सकता। लोगों में से किसी ने भी मुझे रंग लगाकर दिखा दिया तो मैं सभी को इस बार जोरदार दावत दूंगा, पोंगा पंडित ने कहा। दावत की बात तो है, हमें आपकी चुनौती मंजूर है, टीपू ने कहा। देखो, वादे से मुकर मत जाना। नहीं, पंडित की जुबान से निकली बात पर पत्थर की लकीर होती है, पंडित बोला। लौटते ही पोंगा पंडित रंगों से बचने के उपाय सोचने लगा। आखिर उसकी इज्जत का सवाल जो था। अब की बार सभी लड़कों ने कोई ऐसी योजना बनाने का फैसला किया था जिससे कि पोंगा पंडित को रंगों से सराबोर किया जा सके। सब बैठकर कोई तरकीब सोचने लगे। सबसे पहले टीपू उछल पड़ा, आइडिया! सब दोस्तों ने उसे चारों ओर से घेर लिया। टीपू बताना, सब ओर से आवाज आने लगी। सभी की निगाहें उस पर लगी हुई थी, पर टीपू चुप रहा। सब उसकी खुशामद करने लगे, यह सोचकर उसे देरी करने में मजा आ रहा था। अभी नहीं, थोड़ी देर में बताऊंगा, वह नाश्ता हुआ बोला। राज बहुत ही जल्दबाज था। वह जल्दी से जल्दी टीपू से उसकी बात उगलवाना चाहता था। उसे भी एक उपाय सूझा। तो इसकी योजना पर भरोसा करते हो, मेरी तरकीब जरूर इससे भी अच्छी होगी। आओ मैं बताता हूँ सबको, राज ने लड़कों से कहा। राज ने एक एक करके सबके कान में कुछ कहा। सब खुशी से नाचने लगे। सभी एक साथ चिल्लाने लगे, राज की तरकीब वाकई बहुत अच्छी है, यह टीपू क्या जाने इसकी अकल की बात। अब की बार तो पोंगा पंडित को खूब छकाएंगे। फिर वे नाचते हुए गाने लगे, राज की योजना अपनाएंगे, पोंगा पंडित को मजे चखाएंगे। टीपू का घमंड चूर चूर हो गया। अब मुझे कोई नहीं पूछेगा, राज की योजना सबको पसंद आ गई है, मैं क्यों न खुद ही इन्हें अपनी योजना बता दूं? हो सकता है मेरी योजना राज की योजना से भी अच्छी हो, सबको पसंद आए, टीपू ने सोचा। सबके बीच पहुंचकर वह चिल्लाया, रुको तो सही, मैं भी अपनी योजना बताता हूँ, शायद तुमको पसंद आ जाए। राज का चेहरा खुशी से चमक उठा, जरूर बताओ, मेरी योजना तो बस यही तक थी कि और कुछ नहीं है, टीपू बोला। क्या मतलब है, मैं समझा नहीं। राज, पहले तुम अपनी योजना बताओ, तब मैं भी पूरी बात बताऊंगा, टीपू। लो सब सुनो, टीपू ने चुपके से सबको अपनी योजना बता दी। सब उसकी सूझबूझ पर ताली बजाने लगे। वाह भाई टीपू, वाकई तुम्हारी योजना का जवाब नहीं है, एक लड़के ने कहा। अच्छा, तो क्या मेरी योजना राज की योजना से अच्छी है, वह मुस्कुराया। भाई टीपू, मेरी योजना तो सिर्फ इतनी ही थी कि किसी तरह जल्दी से जल्दी तुम्हारी योजना उगलवाई जाए, राज ने बताया। टीपू शर्मिंदा हो गया। होली की सुबह पोंगा पंडित अभी सोकर उठा ही था, तभी उसके कानों में कई लोगों की आवाजें पड़ी। चाय मिलेगी साहब, गर्मा गर्म चाय, हमने सुना है कि यहाँ आपने
टी स्टॉल खोला है। पोंगा पंडित ने घर की खिड़की से बाहर झांका, सामने खड़े कुछ बूढ़े चाय मांग रहे थे। अरे भाई, यह तो मेरा घर है, कोई चाय स्टॉल नहीं, तुम शायद गलती से यहाँ आ गए हो, पोंगा पंडित ने उनसे कहा। बूढ़ों का भेष बदलते लड़कियों की टोली मुस्कुराती हुई आगे बढ़ गई। थोड़ी देर में फिर वही आवाज सुनाई दी, चाय चाहिए साहब, बड़ी ठंड लग रही है, आज आपकी चाय का स्वाद लेकर देखते हैं। पोंगा पंडित को हैरानी हुई और गुस्सा भी आया। आज सवेरे ही इन लोगों ने भांग पी ली है, होली है ना, सोचकर वह कड़कड़ाती आवाज में बोला। अरे गधो, भांग पी ली है क्या, तो फिर चाय क्यों मांगते हो, देखते नहीं यह मेरा घर है, कोई चाय की दुकान नहीं, भागो यहाँ से। पोंगा पंडित की बात पर सब खिलखिला पड़े। फिर यह चाय की दुकान का साइन बोर्ड क्यों लगा रखा है, भांग हमने पी है या आपने, सबने व्यंग किया। पोंगा पंडित को गुस्सा आ गया, वह ताव खाकर बाहर निकला। जरा दिखाओ तो कहाँ है साइन बोर्ड, कहने से साथ यूं ही उसने ऊपर देखा, साइन बोर्ड दिखाई दे गया। पंडित ने आओ देखा न ताओ, वह एक लाठी अंदर से लाया और तख्ते पर जोर से मारकर बोला, न जाने कौन गधा या बोर्ड यहाँ टांग गया है। यूं ही लाठी तख्ते पर पड़ी, रंग की बौछार से पंडित का पूरा शरीर भीग गया। इधर उधर छिपे लड़कों, यहाँ तक कि लड़कियों ने भी रंग से भरे गुब्बारे पोंगा पंडित पर फेंके, साथ ही ताली पीट पीट कर गाने लगे, होली है भाई होली है, रंग बिरंगी होली है। यह योजना टीपू की थी और साइन बोर्ड के पीछे रंगों से भरे गुब्बारे टांग दिए जाएं। यूं ही पोंगा पंडित उस पर वार करेगा, गुब्बारे फूट पड़ेंगे। भैया अब हो जाए दावत, सीमा चहकती हुई बोली। पंडित बोला, दावत पर तुम लड़कियों को कैसे पता चला, लो कर लो बात, हम लड़कियों ने राज और टीपू भैया का साथ यूं ही थोड़ी दिया था, बताओ भला क्यों दिया है, सीमा ने पूछा। तो सभी लड़कियां एक साथ चिल्लाई, दावत में छक्कर खाएंगे। ठीक है पोंगा पंडित ने बोला, तुम लोग बैठो, मैं अभी मिठाई वगैरह लेकर आता हूँ। कुछ ही देर में पोंगा पंडित खीर हलवा पूरी और लड्डुओं का थाल लेकर पहुँच गया। लड़के लड़कियों की टोली दावत उठाने लगे। लोगों को बेवकूफ बनाकर हलवा पूरी खाने वाला पोंगा पंडित आज खुद हलवा पूरी खिला रहा था।